प्रदेश के पशुपालन एवं सामाजिक कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने शुक्रवार को जिले के सबसे पिछड़े विकास खंड पार्टी के ग्राम बेरवाड़ा एवं कंडरावन पहुंचकर लाखों के कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। वहीं ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देते हुए इससे लाभ उठाने का आह्वान किया। मौके निवारण भी उपस्थित पदाधिकारियों से करवाया। साथ ही विभिन्न शासकीय विभागों के मैदानी अमले को चेताया कि शासकीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र ग्रामीण को बिना क्योंकि बाहर के सरपंच लोग खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता, वो उनको बैठने की जगह। जिला मुख्यालय बड़वानी पर हनुमान जन्मोत्सव पर विभिन्न मार्गों से होते हुए आज की यात्रा इंद्र भवन पैलेस राम मंदिर से प्रारंभ होकर बड़वानी शहर के रजित चौक, मोटी माता चौक, करंजा चौराहा होते हुए सेगवा स्थित संकट मोचन हनुमान टेकरी पर पालकी यात्रा का समापन हुआ। इस अवसर पर बड़वानी शहर के धार्मिक गणमान्य नागरिक एवं महिलाएं तथा इस पूरे पालकी यात्रा में अपना धार्मिक नृत्य प्रस्तुत करते हुए भगवान श्री राम के जयघोष नारे के साथ अपनी धार्मिक आस्था के प्रति अपनी निष्ठा भगवान श्री राम के प्रति समर्पित कर रहे थे। आज हनुमान जन्मोत्सव पर क्या व्यवस्था थी, पालकी यात्रा कैसी करी थी? आज हनुमान जन्मोत्सव के एक दिन पूर्व संध्या पर राम मंदिर से जो पालकी यात्रा 4 किलोमीटर चल के आई है, नगर भ्रमण करके और हनुमान टेकड़ी से गांव तक आई है। इस बीच जगह जगह स्वागत किया गया, लोगों में बहुत उल्लास था और प्रशासन का बहुत सहयोग रहा और नगर की धर्म प्रेमी जनता का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और सभी लोगों ने मार्ग में बहुत स्वागत किया। और ये पिछले 10 वर्षों से इसी प्रकार से हनुमान जी की पालकी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा सहयोग करा शासन ने और हमारे को पूरा सहयोग किया शासन ने और पूरे समय साथ में रहे सभी लोग और आगे भी ऐसा ही सहयोग रहे। प्रशासन से यही निवेदन करते हैं और इसी प्रकार से हमारे धार्मिक आयोजन किसी भी निर्बाध रूप से चलते रहें, यही आशा करते हैं हम। हनुमान जयंती बोल क्या करें, हनुमान कार्यक्रम था कल 14 तारीख को सुंदरकांड था, आज 15 तारीख को पालकी यात्रा जैसा राम मंदिर से यहाँ मंदिर तक निकाली गई 4 किलोमीटर लंबी और कल सवेरे जन्म महोत्सव की आरती होगी, उसके बाद दिन भर कार्यक्रम चलेंगे और शाम को बाबा का भंडारा रहेगा और महाआरती रात को होगी। मंदिर जो मंदिर में होगी आरती, जो मंगल मूर्ति है बाबा साहब की, उसके सामने आरती होगी और सभी श्रद्धालु गांव के पधारेंगे, जिसमें 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा जनता यहां पधारेगी। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रसादी के लिए पधारें और इसी प्रकार सहयोग रहता रहे और सभी स्वस्थ रहें। जय श्री राम। प्रभात फेरी निकाली गई जो मलखावनी बावड़ी स्थित मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। ये प्रभात फेरी नगर के प्रमुख मार्ग में पोस्ट ऑफिस चौराहा, स्टेशन रोड, बड़ापुरा, माता मोहल्ला, कछियाना मोहल्ला, काजी मोहल्ला, अथाई मोहल्ला होते हुए पुराना बाजार से होते हुए मलखावनी बावड़ी पर आरती के साथ समाप्त हुई। प्रभात फेरी का जगह जगह लोगों के द्वारा स्वागत किया गया।
वहीं श्रद्धालु के द्वारा जगह जगह भगवान हनुमान जी की आरती उतारी व पूजन अर्चन किया गया। प्रभात फेरी में डीजे पर बज रहे भगवान के भजनों पर श्रद्धालु जमकर नाचते गाते थिरकते नजर आए। प्रभात फेरी में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। प्रभात फेरी में श्रद्धालु जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते नजर आए। शिवपुरी के खनिया थाना में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि टेकरी मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। गांधी चौक से होते हुए टेकरी मंदिर पर आरती के साथ यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी चांदनी चौक पर फूल बरसाकर वे माला पहनाकर स्वागत किया। श्रद्धालुओं के द्वारा जगह जगह भगवान हनुमान जी की आरती उतारी व पूजन अर्चन किया गया। साथ ही शोभा यात्रा में पुलिस प्रशासन भी रहा। शोभा यात्रा में डीजे पर बज रहे भगवान के भजनों पर नजर आए। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा में श्रद्धालु जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते नजर आए। पुराना बाजार से होते हुए मलखावनी बावड़ी पर आरती के साथ समाप्त हुई। प्रभात फेरी का जगह जगह लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं श्रद्धालुओं के द्वारा जगह जगह भगवान हनुमान जी की आरती उतारी व पूजन अर्चन किया गया। प्रभात फेरी में डीजे पर बज रहे भगवान के भजनों पर श्रद्धालु जमकर नाचते गाते थिरकते नजर आए। प्रभात फेरी में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। प्रभात फेरी में श्रद्धालु जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते नजर आए।
शिवपुरी के खनिया थाना में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि टेकरी मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। यह शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्ग जिसमें पुराना नगर पालिका से गांधी चौक पुराना बाजार से होते हुए टेकरी मंदिर पर आरती के साथ समाप्त हुई। शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी चांदनी चौक पर फूल बरसाकर व माला पहनाकर स्वागत किया। श्रद्धालुओं के द्वारा जगह जगह भगवान हनुमान जी की आरती उतारी व पूजन अर्चन किया गया, साथ ही शोभा यात्रा